हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजे मौसम समाचार में। मौसम को लेकर अभी एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज फिर मौसम लेगा यू टर्न। एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ तेज तूफान के साथ कराएगा बारिश। तो चलिए जानते हैं कि किन किन जिलों में एक बार फिर मौसम लेगा यू टर्न और किन किन जिलों में पश्चिम विक्षोभ कराएगा तेज तूफान के साथ बारिश। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम हर दिन रंग बदल रहा है। वहीं मार्च में बारिश के कारण तापमान में काफी बदलाव आया है। इसके पीछे कारण सक्रिय पश्चिम विक्षोभ माना जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सामान्य बारिश 5.4 के मुकाबले 14.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 175% अधिक है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां अब तक सामान्य बारिश 4.4 के सापेक्ष 12.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि 181% अधिक है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य बारिश 6.8 की सापेक्ष 18.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि 169% अधिक है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक साथ हल्की कई मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक दो जिलों में बहुत ही हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बिजनौर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक साथ बारिश होने की संभावना है। इसी बीच अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो मौसम विभाग की माने तो आज देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी के साथ ही यहां पर आंशिक तौर पर आसमान में काले घने बादल छाए रह सकते हैं। कई जिलों में हल्की कई मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी लगातार मौसम खराब रहेगा। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों का कैसा रहेगा तापमान और किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ का आज मौसम साफ रहने की संभावना है। कल से यहां मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगर बात करें कानपुर नगर की तो कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। यहां पर भी आसमान में बदली बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां पर भी आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। बात करें अगर मेरठ की तो मेरठ में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। यहां पर भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। बात करें अगर आगरा की तो ताजनगरी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ताजनगरी में भी कई हिस्सों में लगातार हल्की कई मध्यम कई तेज बारिश देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।